आप कहाँ बैठा हमारा, अब आप अंदाजा लगा सकते हो हम किस कंडीशन में बैठे हैं। मजा आया। हेलो जी, क्या हाल चाल? बढ़िया सब, बस ऑफ करते हैं, बढ़िया ही रहना चाहिए और बढ़िया ही दो, क्योंकि अब पहुंच गए हैं मेहंदीपुर बालाजी, ये अपना दर्शन करने के लिए। यहाँ मंदिर है अपना बालाजी महाराज का, यहाँ भी मतलब बहुत थोड़ा जिसके परेशानी वगैरह हर चीज़ का वो होता है, एक मतलब भूत प्रेत वगैरह जो भी जैसा कुछ होता है वो सब निकालने के लिए, अपने समाधान के लिए, अच्छा करने के लिए बहुत ऐसा कुछ होता है। ठीक है, अब ये देखो मतलब रात को अभी भी 5 बज रही है, उस टाइम भीड़ देखो पूरी कितनी हो रही है, यहाँ मंदिर भी देखो कितने हैं, मंदिर भी मतलब कितनी भीड़ सी हो रही है, बहुत पता नहीं कब नंबर आएगा कब नहीं आएगा हमारा। ये यहाँ पे बहुत रश होता है, देखते हैं मंदिर खुलेगा 7 बजे, अब हमें भी लाइन में लगना है, पता नहीं कितनी भीड़ मिले या नहीं मिले उस हिसाब से। बाकी अगर कोशिश करते हैं मंदिर के टाइम आपको दर्शन करते हुए मिलते हैं तो दर्शन करते हुए भी दिखाते हैं आपको। चलो अभी थोड़ा लाइन में लग के उसके बाद मिलते हैं आपको। भाई अब इधर आया, उधर बहुत भीड़ हो रही थी, मतलब एक रास्ता इधर भी है लाइन का, सुबह सुबह मंदिर भी नहीं खुला तो भी देखो कितनी बड़ी लाइन लगी हुई है। अभी मतलब अभी आए थे फिर उससे पहले तो बहुत लंबी लाइन हो रखी है, यहाँ पे भी उस तरफ जाके आए थे उस तरफ बहुत मतलब उससे इससे तो डबल ही लग रही थी, अभी भी बहुत लंबी हो ही गई। अभी यहाँ होके गए थे, सोचा वहाँ से मिल जाएगी तो भी नहीं मिली, बहुत लंबी लाइन है। चलो कोई नहीं, बाबा के दर्शन करने हैं तो घर के ही जाएंगे, तो कितनी भी बड़ी भीड़ हो। चलो मिलते हैं अभी थोड़ा आगे और। चलो भाई लाइन में लग गए, अब दर्शन करते हैं, टाइम ही पता नहीं, अंदर कैमरा अलाउड होगा नहीं होगा। लाइन देखो कितनी पीछे लगी हुई है, अभी वहाँ आगे तक जो भी है, चलो जैसा भी होता करवाएंगे, आपको भी दर्शन मौका मिला तो, क्यों अगर मौका मिला तो 100% आपको भी दर्शन कराएंगे। चलो कितनी देर और लगेगी अभी, हो सकता है दर्शन सब वक्त हो गए। चलो बढ़िया है, जैसा भी अच्छी बात है, हमारे साथ साथ आपके भी हो। चलो वेट करते हैं हम तो, आपको मिलते हैं बाहर दर्शन के टाइम। या तो देख रहे हो बैठे बैठे सबकी आंखें शटर डाउन हो रहे हैं, नींद आ रही है सबको बैठे बैठे, टीके लगाना है, आंखें देख रहे हो कितनी लाल हो रही है, मंदिर खुलने में भी टाइम है, भीड़ देख रहे हो कितनी हो रही है, देखो हम कहाँ थे फिर उसके बाद पीछे गली में घुस रही है लाइन यहाँ से। चलो यार नींद पूरी करेंगे पहले दर्शन वर्शन करने के बाद, ठीक है? हाँ भाई चलो। चलो जी इतनी देर के बाद लाइन चालू हो गई, अब दर्शन के टाइम मिलते हैं तो आपसे। चलो मंदिर के अंदर एंटर करने वाले, बाहर भी कितनी भीड़ देखो, यहाँ हमारी लाइन में भी साथ चल रही है, बाहर भी हद पार, बहुत हद पार भीड़ हो रही है। चलो अंदर देखते हैं, दे रहे अपने बालाजी महाराज के दर्शन, बालाजी महाराज के दर्शन कर लो। चलो अच्छा दर्शन हो रहा है हमारे साथ साथ। चलो इतना इनअप करते हैं, आगे मिलते हैं, भीड़ बहुत हो रही है। इधर देख रहे हो ये बंदर उसकी प्रसाद की थैली, उसकी प्रसाद की थैली छीलने लग गए, जेब में डाल दी इसने, बंदर बहुत बंदर है इधर। चलो भाई प्रोग्राम बन रहा है, नाश्ता करेंगे रेलवे स्टेशन पे, अब मतलब ट्रेन पकड़ने के लिए इस गाड़ी में हम रेलवे स्टेशन जा रहे हैं अपने, ठीक है? चलो बैठो बैठो बैठो, गंदी चीज है, बैठो। चलो रेलवे स्टेशन जा रहे हैं, वही नाश्ता आस्ता पॉइंट पे, जैसा भी हो रेलवे स्टेशन पे मिलते हैं आपको। चलो भाई निकल गए, अपनी सवारी देख रहे हो किसमें, ये भाई थार में जा रहे हैं, थार भाई 4x4 है, ये 4+2 है, 4x4
अभी रेगिस्तान में ले जाते हुए दिखाएंगे भैया, देख लो हमारी आ। जिप्सी चला रहा हूँ, जीप चला रहा हूँ, मतलब कि अपनी 12 साल की उम्र से चला रहा भैया ये। तो आप अंदाजा लगा लो कितना हैवी ड्राइवर है। सही बात है। ये जो नरेश है ना, वहां से तो हमारा सारा खाता खाता आया, अब लगता है ड्राइवर भैया का जो खाएगा है। है भैया खा रहा ना, ये सर खा रहा ना ज्यादा। भैया तुमने वो वाली फिल्म देखी है, पहली हेरा फेरी, अक्षय कुमार, ओम पुरी, प्रेस रावल, सुनील शेट्टी सब होते थे, वो गाड़ी वाला सीन है ना, ये वही सीन है। ड्राइवर को देखो आप, कहाँ बैठा हमारा, अब आप अंदाजा लगा सकते हो हम किस कंडीशन में बैठे हैं। एक दो तीन, अब ये हमारे साथ जो नरेश आया इसको तो कोई टेंशन है नहीं, पूछो क्यों, दादी की पेंसिल आ रही है इसकी। चलो इनका नाश्ता हो रहा, पकोड़े ग्लास चाय, अपन तो खाली चाय से काम चला रहे, चाय पकोड़े। बाकी ये रेलवे स्टेशन तो भाई साहब इधर हम आए, कितनी गंदी हालत है, तुमने देखा होगा, वो सारे इतने लदे हुए इतने, तो भी बिठाए जा रहे। चलो चाय वाय पी के ट्रेन पता करते हैं, चलो अंदर मिलते हैं फिर ट्रेन पे। चलो चलो भाई, स्टेशन पे आ गए फाइनली, अपनी ट्रेन आएगी अभी इसी पे, फिर स्टेशन पे आके चाय पी रहे और वापस घर पहुंच रहे। कैसा लग रहा है? बहुत मजा आया सफर का। अच्छा, हमने बहुत कष्ट उठाया। वो आपने अभी तक पहले व्लॉग में देख ही लिया होगा ये कि क्या हालत हुई हमारी, किस हिसाब से गए किस हिसाब से नहीं गए। बस दर्शन बहुत बढ़िया हुए, दर्शन सुकून से मिले, बहुत सुकून मिला, बहुत बहुत ज्यादा। तो ये स्टेशन, अभी ट्रेन आने वाली है, चाय खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं। ये नरेश भाई हमारा जब भी मेरे साथ होता ना तो मेरे को किसी चीज की टेंशन नहीं होती है, हमेशा खुश रखता है मेरे को। भाई है मेरा बड़ा भाई है। इसके पापा है बीरा भाई, वो भी बहुत खुश रखता है मुझे। खुश रखो, रहो, खुशी रहना चाहिए। और एक गौतम है इसका भाई, उसको तो छोटा वाला गौतम, गौतम को जानते हैं सब, वो तो मेरा बड़ा भाई है, उसके सामने तो मैं हाथ जोड़ता हूँ, बाकी किसी चीज की टेंशन नहीं है, चाहे कोई भी हो। गौतम को तो जानते ही हो आप सब भी। चलो अब ट्रेन आती है तो ट्रेन में थोड़ा मिलते हैं। चलो भाई अपनी ट्रेन ये जा रही है, इसको बाय बाय कर देते हैं। चलो भाई पहुंच गए अपने दिल्ली, अब निकलने की तैयारी करते हैं घर। पहुंच गए मतलब अब क्या है, भाई जोगिंदर पहुंच गए दिल्ली। चलो पहुंच गए घर पे, घर पे पहुंचे क्या मतलब, घर के लिए निकल रहे हैं। अब ऑटो था, ऑटो वाला ड्राइवर भी हमारे पास ही है, ऑटो भी हमारे पास ही है, अच्छा हुआ ऑटो वाला ड्राइवर के साथ ले ही गए थे। यहाँ से एक किराया तो बचा, और क्या, क्यों भाई जोगिंदर, भाई जोगिंदर को छोड़ दो, अब गया जोगिंदर। चलो आएगा तो घर चल के मिलते हैं आपसे। चलो चलो जी आ गए घर पे, मैंने सोचा ये व्लॉग घर पे जाके एंड करूँगा, इसलिए क्योंकि बच्चों से ही बात करते हैं, बच्चों से ही मिलवाते हैं आपसे इस व्लॉग में, और ठीक है। अब वो तो सो रहा है घोड़े बीच के, फुल मस्त है, दो तीन बार हिला दिया तो भी नहीं सुन रहा, सो ही रहा। चलो कोई बात नहीं, करते इस व्लॉग को यहीं एंड, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में किसी नए ट्रिप के साथ। बहुत जल्दी एक और ट्रिप प्लान हो रही है, पर इसकी तरह सडनली नहीं हुई थी क्योंकि आपने पहले व्लॉग में देखा इतनी बुरी हालत हुई हमारी उस ट्रेन में। चलो कोई बात नहीं, इसकी बार अगली बार जब करेंगे तो अपनी स्कूटी पे करेंगे, ठीक है।
चलो करते हैं इस ब्लॉग को यहीं एंड, मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट ब्लॉग में, चलो बाय। खुद रास्ता बता देते हैं। चलो इसे दो चार लौंडे उठाने।